11 कुएं थे जिनमें से एक अभी एक्टिव है, बाकी सब कुछ बंद कर दिया गया थी एक्टिवेट होकर। तो यहाँ पे जो वॉचमैन है वो उनसे बात करके पूछ लेते हैं जो कि यहाँ की देखभाल वगैरह कर रहे हैं। तो बाबा सलाम अलैकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, शुक्रिया। ठीक है, 11 कुएं अभी सिर्फ एक कुएं चल रहे, 6 नंबर सही है, बाकी सारे बंद है। ठीक है, वो कच्चा कुई था ना, पानी भी इसमें नहीं है, वो 2-11 नंबर 10 नंबर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, बाकी सारी कुई सही है। अभी ये 6 नंबर चलते हैं, अभी 6 नंबर है। हाँ, ये पानी सीधा निकलते मलिक कैंट। ठीक है, थोड़ा करीब कर ले, उमर सस में सही। और ये 7 नंबर कुआ है वो भी बंद है, समझे? और ये कुआ ये भी ख़राब था, लेकिन ये बलूच साहब एक संत वो एक यार मोहम्मद है, वो लोगों ने जार मार लगा के थोड़ा मरम्मत करके मिट्टी निकाला, ये कुआ सही है। हमें थोड़ा दिखाएं कौन कौन से कुएँ। एक तो ये कुएँ नासिन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुआ भी है, ये कुआ है ना, थोड़ा करीब कर दिया गया, ये भी तकरीबन बंद ही है, ख़त्म हो गया, ये ख़त्म। देखिए जैसे बहुत पुराना है ये, हाँ ये अंग्रेज़ों ने लगाया हुई है। हाँ ये देखिए जैसे बहुत पुराना, देखिए सिस्टम इन्होंने बहुत पुराना लगाया हुआ, अभी तक एज इट इज़ वैसे ही खड़ा है। इन्हें इंजन वगैरह यहाँ पे दिखाएंगे आपको, जिम इंजन चलता था कूली के साथ इधर। ठीक है, यहाँ पे इंजन था, हाँ कूली के साथ चलता है इंजन, अंग्रेज़ों ने चलाया खुद। ठीक है, चले कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहे हैं। ठीक है, आगे से देख लें दूसरी कोई, यहाँ पे क्या है? टैंक है कूली का, कूली का टैंक था अंग्रेज़ों ने बनाया। अच्छा ठीक, ये चलता था सही, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही पुराना इंजन है, देखिए अभी भी उसी शक्ल में उसी कंडीशन में खड़ा है। बिल्कुल एज इट इज, जैसे गैस सिलेंडर है इसके थ्रू बिजली हुआ नहीं करते थे, गैस के थ्रू ये चलाया करते थे सिस्टम को, बहुत बहुत ही बड़ा इंजन है ये। वो नीलाम कर दिया जी, शीशा में पहुंचा दिया। अच्छा, हाँ सारे इंजन बिक गए हैं, पाकिस्तान अंग्रेजों से नहीं आया जी, वर्ल्ड बैंक वाला। ये देख लेते हैं अब विल्सन ब्रेडियन, बहुत ही वैसे वेल कंडीशन है इसका अभी तक, देख सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा कुआं है, ये इस लाइन जा रही है बिल्कुल साथ में, पहला ये पे ये दो ये इंजन चला था, अब इसे एक मोटर से एक इंजन चला था। ठीक है, ये बराबर ये पाइप जा रहा है, ये छोटे से इंजन का टैंक से बताया हुआ पानी सारा, जैसा कि आप देख सकते हैं मशीन वगैरह ऑन ऑन होने की, देखिए आप देखिए
साफ सफा पानी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्री एरियर बनाया हुआ नमाज वगैरह पढ़ने के लिए सिटिंग एरिया है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत प्यारा व्यू है ये, देख सकते हैं ये प्री एरिया नमाज की सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। बिल्डिंग अभी तक वैसे एज इट इज खड़ी है, जैसे डोर वगैरह हो गए विंडो वगैरह सब चीज़ एज इट इज खड़ी है। देखिए 1929 को ये स्टेबल हुआ था, जैसे देख सकते हैं आप। देखिए जगह सन भी लिखा 1929 देख सकते हैं। और ये पॉइंट है, यहाँ पे पानी आता है, जमा होता है इलाके को, पानी सप्लाई यानी कि पूरे कराची को सप्लाई होता है पानी, देख सकते हैं आप। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ सारा पानी स्टॉक होता है तो जमा होता है वहाँ से जनरेटर के थ्रू। अभी भी पानी खड़ा नीचे, जैसे कि देख सकते हैं आप बिल्डिंग को, देखें पूरा बिल्कुल एस्टेज खड़ी है अभी तक। देखें देख सकते हैं अपना जना है, देख सकते हैं फ्रेंड्स पानी वहाँ से पहले यहाँ आता है पानी, ये देख सकते बिल्डिंग में 1929। फिर इसके बाद ये राइट साइड पे मेरे पीछे पे बिहाइंड ये एक बिल्डिंग छोटी सी एक रूम नंबर बना हुआ, यहाँ पे पानी आता था। देन इसके बाद जाके कराची को पानी सप्लाई होता है ये दूसरे इलाके में गौरी पुरी के जाके। तो मुझे आगे जाके देख लेते हैं कौन कौन सी जगह देखने में, तो ये देख लेते हैं। ये देख सकते हैं ये हिस्ट्री से लिखी हुई है 1929 को ये स्टेबल हुआ था ओडिशन में मिस्टर बीशन ली। ये पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ की। Thank you.
Thank you.